जनाब इस मुल्क के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं, न जाने कितनी माओं ने अपने लख्त जिगर, न जाने कितनी बहनों ने अपने भाई और न जाने कितनी औरतों ने अपने सरताज इस मुल्क पर वार दिए सिर्फ इसी आरजू के हुसूल के लिए कि एक इस्लामी फलाई रियासत बनाई जा सके। और मैं फिर कहता चलूं कि माजरत के साथ हम उस मकसद में अभी तक नहीं पहुंचे। तो हमने अपने मुल्क के इदारों को और मुल्क के सियासतदानों को और अपनी आवाम को ये बात समझानी है कि जनाब हमने अपने अकाबरीन के खून को रायगा नहीं जाने देना, बल्कि उस निज़ाम में लाना है जिस निज़ाम को हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने जाने दी थी। यार क्या बड़े सगीर में कोई वादी गैर ऐसी जरा थी कि जहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, या ऑक्सीजन का मसला था, या कारोबार का मसला था, या तजारत का मसला था? नहीं, ये मसले नहीं थे। मसला था तो इस्लाम का मसला था। पहला काम यह करना है कि हमने मिलकर एक कोशिश करनी है, अपने बड़ों को यह बात समझानी है कि हमने इस मुल्क में निजाम मुस्तफा नाफिज करना। और माजरत के साथ कुछ लोग उठते भी हैं और उनका मकसद ये नहीं होता कि वो निजाम मुस्तफा को नाफिज करें, बल्कि मकसद ये होता है कि इस नारे को किसी तरह बदनाम किया जाए। बहुत मौके ऐसे आते हैं, लोग कहते हैं कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आना है, लेकिन उनके अफ़ाल से, उनके किरदार से, उनके तौर तरीके से ये बात समझ नहीं आती कि यार ये लोग कभी ऐसी बात भी कर सकते हैं। और फिर जब वक्त गुजरता है तो वक्त भी बताता है कि ये लोग निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करने वाले नहीं हैं। यार एक आदमी जो है वो बात करता है निज़ाम मुस्तफ़ा की, और उसका शक्ल व सूरत, उसके अतवार, उसका उठना बैठना वैसे लोगों के साथ है कि जो निज़ाम मुस्तफ़ा से नफरत करते हैं। अब ये मिसाल ले लेना, एक आदमी ने इंडिया की वर्दी पहनी हो फौज की और पाकिस्तान से कहे मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे पाक फौज से बहुत मोहब्बत है। नहीं यार, क्यों? उसका लिबास बता रहा है, उसके अतवार बता रहे हैं, उसके अकवाल बता रहे हैं कि उसको इससे मोहब्बत नहीं। आपके जहन में बात आती होगी ना कि जनाब अगर इन्होंने नहीं करना तो ये नारा क्यों लगाते हैं, ये क्यों कहते हैं कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज करना चाहते हैं। ये छोटी सी मिसाल से आप बात समझें। एक बच्चा है, वो बकरियाँ ले कर निकलता है अपने गाँव से थोड़े से साइड पर चराने के लिए। अब बच्चे के जहन में एक शरारत सूझती है, वो कहता है क्यों ना आज गांव वालों को थोड़ा सा तंग किया जाए। तो वो चीखना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है, गांव वालों तुम्हारी बकरियों को शेर खा गया, शेर खा गया, शेर खा गया। लोग दौड़ते हुए आते हैं, किसी ने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई है, किसी ने डंडा उठाया है, और आगे देखते हैं बच्चा तो वो पहाड़ी की चोटी पर बैठ के हंस रहा है कि भाई मैं तुमसे मजाक कर रहा था। दूसरा दिन आता है, बच्चे को फिर शरारत सूझती है कि यार कल तो बड़ा मजा आया था गांव वालों को तंग करके, आज भी वैसा ना किया जाए। तो दूसरे दिन भी वो चीखता है कि भाई तुम्हारी बकरियों को शेर खा गया, शेर खा गया, अपनी बकरियों को बचाओ। लोग फिर दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि बकरियां तो चर रही हैं और बच्चा ऊपर बैठा है, और फिर बच्चा कह के लगाता है, हंसता है कि मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। अब तीसरा दिन आता है, बच्चा यही सोच रहा होता है कि आज भी अपने गांव वालों को तंग करना है। इतने में होता यह है कि हकीकतन शेर आ जाता है और वो बकरियों को चीरना फाड़ना नोचना शुरू कर देता है, और बच्चा चीखता रहता है, चलाता रहता है कि भाई शेर आ गया, तुम्हारी बकरियों को शेर खा रहा है, चीर रहा है, फाड़ रहा है। तो गांव वाले अपने घरों में बैठ के हंस रहे होते हैं, कह के लगा रहे होते हैं, यार आज भी ये मजाक ही कर रहा है। तो दरअसल ये जो बार बार ये नारा लगाया जाता है ना कि निजाम मुस्तफ़ा को नाफिज करना है, और ऐसे लोगों की तरफ से लगाया जाता है कि जिनके अकवाल, जिनके अफाल मैच नहीं करते, तो उनका मकसद ये है कि ये नारा लोगों के दरमियान बदनाम कर दिया जाए। जब अगर कोई हकीकी मानों में भी कोई इस नारे को लेके उठे तो लोग उसकी परवाही ना करें, लोग उसकी तरफ तवज्जो ही ना दें। तो ये वजह है। तो हमने अहले हक
लोगों की के पीछे चलना है, और उन्होंने जो तहरीकें इस्लाम के लिए चलाई हैं उनके साथ जब हम चलेंगे तो फिर हमें इज्जतें भी मिलेंगी, उरूज भी मिलेंगे, कामरानियां भी मिलेंगी, बुलंदियां भी मिलेंगी। तो एक काम यह है कि हमने एक तहरीक चलानी है, वो इज्तमाई सूरत में चल सकती है, इनफरादी सूरत में नहीं चल सकती। और दूसरी तहरीक यह है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करना है इस 5 से 6 फुट के जिस्म में। देखें ये पाकिस्तान का जो 7.5 लाख मुरब्बा मील रियासत है ना, इस पर मैं अकेला जो है इस्लाम नाफिज नहीं कर सकता, लेकिन इस जिस्म पर मैं इस्लाम नाफिज कर सकता हूँ। तो हमने ये करना है कि अगर यहाँ पे मेरे समेत अगर कोई भी शख्स ये चाहत रखता है कि हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, तो सबसे पहले उसको अपने इस जिस्म पर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना होगा। और याद रखिएगा कि जब एक चिराग जल जाता है तो फिर वो लाखों को जलाने की सलाहियत रखता है। एक मैदान में लाखों चिराग पड़े हों और लाखों ही बुझे हों तो उनका कोई फायदा नहीं, और अगर एक जल जाए तो वो लाखों को जलाने की सलाहियत रखता है। चमन के मालिक अगर बना लें अपना शियार अब भी, तो आ सकती है पलट कर चमन में बहार अब भी। अगर आज भी हम ये अहद कर लें कि हमने अपने ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना है, तो फिर देखना चिराग से चिराग जलेगा और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आ जाएगा। आखिर में अपनी बात इस दुआ के ज़िमन में ख़त्म करता चलूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिलते ही रहें सदियों, यहाँ ख़जा को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि न खम हो सरे वक़ार वतन, और इसके हुस्न में तशवीश माओ साल ना हो। खुदा करे कि इसका हर एक फर्द हो तहजीब फन का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इल्ला अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।